जयपुर के राजा पार्क में प्रॉपर्टी के एक मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए गुरुद्वारे में पुलिस के घुसने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने पुलिस पर बेवजह गुरुद्वारे में घुसने का आरोप लगाते हुए रास्ता जाम कर दिया। मामले की सूचना पाकर विधायक रफीक खान समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश कर मामला भी शांत करवाया और जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सिख समाज के दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर आपसी झगड़ा हो गया था और इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने इस बीच कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष थी और ऐसे में आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस गुरुद्वारे गई थी, लेकिन वहां सिख समाज के लोगों में रोष फैल गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ यहां नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम कर दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ये पूरा मामला शांत भी हुआ। विरोध पर विधायक रफीक खान मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस और विधायक की समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत हो पाया। प्रॉपर्टी के मामले में पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गई थी और उसी दौरान ये पूरा यहां पर हंगामा देखने को मिला। पुलिस को आरोपी के गुरुद्वारे में होने की सूचना मिली थी और इसीलिए पुलिस वहां पर गई थी, लेकिन गुरुद्वारे में जबरन घुसने पर सिख समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। उनका ये कहना कि जबरन जो पुलिस है वो गुरुद्वारे में घुसी है और उसी का आक्रोश उनमें व्याप्त है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दें। देखिए मनीषा, कल ये देर रात का पूरा मामला है, क्योंकि एक विवाद चल रहा था थाने के अंदर, आदर्श नगर जो थाना पड़ता है वहां पर, जिसमें प्रॉपर्टी का कोई विवाद था कब्जे को लेकर के। उसमें पुलिस जो थी वो एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर जो दूसरा जो आरोपी था उसके यहाँ पर पुलिस तलाश कर रही थी। मगर पुलिस को यहाँ पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिस आरोपी की वो तलाश कर रही है वो शख्स है राजा पार्क स्थित जो गुरुद्वारा है उसमें छुपा हुआ है, और क्योंकि 7 तारीख को सभी धार्मिक स्थल खोले जाने हैं तो ऐसे में उस युवक की जो मौजूदगी है उस मीटिंग के अंदर है। तो ऐसे में जो पुलिस की टीम थी वो उसने यहाँ पर सबसे पहले गुरुद्वारे के अंदर यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की, मगर गुरुद्वारे के अंदर जो मौजूद जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये कहा कि आपके पास सर्च वारंट है क्या, मगर इसके बाद जब लेकिन पुलिस को उनके पूरी पुख्ता सूचना थी कि युवक है जो उस मीटिंग के अंदर है। इसके बाद दो थाना पुलिस की जो टीम थी उसका जाब्ता जो मौके पे बुलाया गया और वहां पर गुरुद्वारे के अंदर जो पुलिस ने हथियार के साथ में जबरन घुसने की कोशिश की, मगर जो वहां के जो सिख समाज के लोग थे जब पुलिस ने घुसने की कोशिश की तो उनके अंदर आक्रोश हो गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और साथ में रास्ता रोकते हुए यहाँ पर जाम लगा दिया था। जब विवाद ज्यादा ही बढ़ने लगा तो स्थानीय जो विधायक है रफीक खान वो मौके पे पहुंचे और साथ में अन्य आला अधिकारी थे जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी है वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो सिख समाज के जो लोग थे जो आक्रोश जता रहे थे, लगातार विरोध जता रहे थे, उनके साथ संदेश का प्रयास किया और उस संदेश का प्रयास ये हुआ कि करीब 3 से 4 घंटे तक पूरा जो बवाल था वो बना रहा, मगर जो शख्स था जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी वो उसको वहां पर से नहीं मिला, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी। सूचना के बाद जब जो युवक था वो वहां से फरार हो गया, लेकिन कहीं देखा जाए तो इस मामले को लेकर के इतना बड़ा टूट बन गया कि हमारे विधायक को वहां पर आना पड़ा और समझाइश करानी पड़ी। फिलहाल मौके पर शांति की स्थिति बिल्कुल यादवेंद्र जी, अतिरिक्त जाप्ता है जो पुलिस ने वहां पर अभी तक तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरह का कोई बवाल है या फिर जो लोग है उसके अंदर असंतोष ना फैले इसको लेकर के। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र, जिन्होंने बताया कि करीबन 3 घंटे तक ये पूरा मामला यहाँ पर चला और उसके बाद पुलिस और विधायक रफीक खान की समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत हो पाया। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर